Hello students, welcome back to the online platform of Vedanta Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12th और हम class 10th को अभी cover कर रहे हैं और उसमें chapter पढ़ रहे हैं हम print culture के बारे में कि print culture और modern world कैसे एक दूसरे से related हुए और कैसे जो है print culture जो है धीरे धीरे हर जगह पर चला, कैसे China से Europe गया और फिर कैसे धीरे धीरे भारत में भी आया। तो आज हम start करेंगे, कल तक हमने देख लिया था कि कैसे प्रिंट कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पर फैल रहा था और कैसे लोगों का एक नया थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गया था। जैसे जैसे वो किताबें पढ़ने लगे थे उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज होता जा रहा था। तो फिर पहले क्या होता था कि यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर लिटरेसी रेट कम था तो इसलिए लोग कम पढ़ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो लिटरेट होना शुरू हो गए, जब वो पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो धीरे धीरे वहाँ पर एक रीडिंग का जुनून वहाँ पर लोगों के अंदर बन गया और लोगों ने अपनी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया और फिर उसके तरह से तार्किक तरह से उसको सोचना शुरू किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टुडे टॉपिक, द रीडिंग मैनिया, पढ़ने का जुनून लोगों में कैसे आया। ठीक है कि एकदम से कैसे रीडिंग जो लोग थे, पढ़ने वाले लोग थे, उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा था। सो हाउ इज दिस पॉसिबल, लेट्स सी। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरीज लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। कि आपकी जो 17वीं और 18वीं शताब्दी थी इसके इन बीच में जो लिटरेसी रेट था वो ज्यादा होने लगा, मतलब लोग पढ़ने लगे, मोस्ट ऑफ द यूरोप में लोग पढ़ने लगे। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेटअप स्कूल्स इन विलेजेस कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। और अलग अलग ग्रुप्स के जो चर्च होते थे, जैसे कि डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है, सब ग्रुप्स विद इन अ रिलीजन, कि एक रिलीजन के अंदर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और हर एक ग्रुप ने अपना अपना जो है चर्च जो है बना रहे हैं और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वो स्कूल सेटअप कर रहे हैं विलेजेस में। उससे क्या हो रहा है कि पढ़ाई जो है वो गाँव तक भी जा रही है, पढ़ाई गांव तक भी जा रही है। उससे क्या है, जो पीजेंट्स और आर्टिसंस लोग हैं वो भी पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी पढ़ाई जो है मिल रही है। तो इससे लोग पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, जानना सीख रहे हैं, वो सब चीजें वहां से होना शुरू हुई। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी और 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इन सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप लिटरेसी रेट्स वर एज हाई एज 60-80%। और धीरे धीरे 18th सेंचुरी के एंड तक जो लिटरेसी रेट है वो 60-80% पहुंच गया। 60-80% जो लोग हैं वो वहां पर पढ़े लिखे होते थे, जो उनकी परसेंटेज है वो है 60-80%। ओके, एज लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देर वॉज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया। और जैसे जैसे फिर लिटरेसी रेट जो है बढ़ता गया, स्कूल्स बढ़ते गए, लोग पढ़ते गए, तो उससे क्या हुआ, लोगों को पढ़ना जो है, पढ़ने का एक जुनून सा उन लोगों में बन गया और एक पढ़ने का जो है एक फॉर्म वहां पर शुरू हो गया। ओके, People wanted books to read and printers produced books in ever increasing numbers। अब लोगों को books चाहिए पढ़ने के लिए, अब जब लोग पढ़ेंगे तो उनको किताबें चाहिए और किताबें चाहिए तो उनको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक पढ़ाई का पढ़ने का जो है जुनून वहां पर चल पड़ा और जैसे जैसे वो पढ़ते गए तो उनको बुक्स की जरूरत होती गई। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट। अब जो लिटरेचर थी पॉपुलर लिटरेचर, उसके नए फॉर्म्स जो है प्रिंट होते गए, उससे क्या हुआ, नई ऑडियंस बनी, न्यू ऑडियंसेस। बुक सेलर्स ने क्या किया, पेडलर्स को जो आप गांव-गांव में घूमते थे उनको एम्प्लॉय दिया कि उनको बुक्स लेके चले जाओ आप और उनको सेल करो। उसके बाद अब ये तो कि पेडलर्स को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दिया कि आप जाओ गांव-गांव और बुक्स सेल करो। उसके अलावा क्या चीजें प्रिंट हो रही थी, जैसे आपके एल्मेनेक्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पंचांग। जैसे आपके पंचांग थे उसमें क्या होता था, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ सन मून, टाइमिंग्स ऑफ फुल टाइड्स, एक्लिप्सिस की कब ग्रहण होना है, सब आपका पंचांग से होता है ना। एंड मच एल्स दैट वाज इम्पोर्टेंस इन एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल, उसमें लिखा होता है कि आज ये तिथि है, आज ये है, गंगा स्नान है, सो व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें उसमें होती थी, इसको क्या बोलते थे, रिचुअल कैलेंडर्स। तो ये होते थे पंचांग, तो इनका भी छपना शुरू हो गया उस टाइम पे, है ना। सो और ये फिर इनके साथ साथ जो है फोक टेल्स वगैरह आपकी जो है जाने लगी, इनको प्रिंट किया जाने लगा।
But other forms of reading matter largely for entertainment begin to reach ordinary readers as well. और जो है entertainment के लिए जो books छप रही थी वो भी जानी शुरू हुई. उसमें आई आपकी पेनी चैप बुक्स, इसको एक पैसे की किताब भी बोलते थे. इससे क्या होता था कि ये एक पेनी के बदले मिलती थी और इसको चैपमैन जो इसको बेचता था वो उसको बोलते थे चैपमैन एंड सोल्ड फॉर अ पेनी. एक पैसे की किताब होती थी ये. सो दैट ये क्यों बिक रही थी कि पुअर पीपल भी जो है वो इसको खरीदे और पढ़े. तो देखो कहाँ तक मतलब वो लोगों में जो है इस चीज की उत्सुकता बढ़ रही थी और उसी का मार्केट जो है बन रहा था. इन फ्रांस वर द बिलोथिक ब्लू, ठीक है, बिलोथिक ब्लू करके एक जो है बुक प्रिंट होती थी. ये क्या होती थी, ये होती थी लो प्राइज स्मॉल बुक, ठीक है. बिलियोलिथिक जो आपकी ब्लू करके जो बुक थी ये होती थी आपकी स्मॉल बुक्स होती थी और इनका प्राइस बहुत कम होता था और ये पुअर क्वालिटी पेपर पर छपती थी. मतलब कि दे वर चीप इन रेट आल्सो एंड इन क्वालिटी आल्सो, रेट एंड क्वालिटी, ठीक है. इनकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और ये रेट भी इनका सस्ता था, ताकि ये जो है इसलिए छपती थी ताकि पुअर पीपल भी इसको पढ़ सके. Poor can buy, even poor can buy, ठीक है, उनके लिए छपती थी. These were small books, और इसमें ये bound होती थी in cheap blue covers, ठीक है. Then there were, ये आपको पता चल रहा है कि कैसी कैसी books छप रही हैं, कैसी कैसी books जो है बेची जा रही हैं. Then there were the romances printed on 4 to 6 pages and the more substantial histories which were stories about the past. उसके अलावा कुछ romantic books जैसे उसमें आपकी love stories या other stories उसमें आ जाती हैं. उसके अलावा कुछ histories हैं जो past की कुछ कहानियां बताती हैं अपना past जानने के लिए जो पढ़ते हैं लोग, मतलब कि हमारे देश में क्या हुआ है किस तरह से, तो past की जो knowledge रखती थी उस तरह की books जो है छपना शुरू हुई. Books were of various sizes, serving many purposes and interest. और उसमें books का जो है size भी जो है vary करता था, कोई book small size में कोई बड़े size में है. तो ये सब चीजें भी जो है होना शुरू हो गई थी. The periodical press developed from the early 18th century, combining information about current affairs with entertainment. अब क्या होना शुरू हुआ, अब current affair की जो है के लिए भी magazines आनी शुरू हुई. उसमें क्या होता था कि विद एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर भी है उसमें एंटरटेनमेंट भी है ताकि लोग उसे पढ़ें. न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स, उसमें युद्धों के बारे में, आपके ट्रेड के बारे में, या जो भी कोई डेवलपमेंट होती थी कि सपोज करो एक जगह पे डेवलपमेंट हो रही है दूसरी जगह बताना है तो वो मैगजीन में छप के चला जाएगा. तो इस तरह से जो है शुरुआत हुई. उसके बाद साइंटिस्ट के आइडियाज हो गए, आपके फिलोसोफर्स हो गए. अब वो क्या हुआ, पहले वो लिखते थे फिर बाद में लोग सिर्फ उनको बोलने से समझते थे कि उसने ये कहा है ये कहा है. अब साइंटिस्ट के आइडियाज, फिलोसोफर्स के आइडियाज इजीली एक्सेसिबल हो गए कॉमन पीपल के लिए, इजीली एक्सेसिबल. तो ये भी एक एडवांटेज अगर आ जाए तो इजीली एक्सेसिबल कोई भी चीज है, साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स थिंकर्स ये सब इजीली एक्सेसिबल हो गए कॉमन पीपल के लिए. एंशियंट एंड मिडाइवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश, और जो आपके पुराने एंशियंट और मिडाइवल आपके साइंटिफिक टेक्स्ट थे उनको कंपाइल किया गया, पब्लिश किया गया. उसके अलावा मैप्स, साइंटिफिक डायग्राम्स, इनको भी बहुत ज्यादा उसमें प्रिंट किया गया. When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. अब जो लोग साइंस को पसंद करते थे, अब जब न्यूटन ने अपने बारे में, अपने डेवलपमेंट्स के बारे में, अपनी जो है अपनी डिस्कवरीज के बारे में जब छापना शुरू किया तो लोगों ने क्या किया, जो साइंटिफिक माइंड वाले लोग थे जो उस चीज में रुचि रखते थे उन्होंने उस चीज को पढ़ना शुरू किया. तो अब क्या है, उनके लिए एक ईजी एक्सेसिबल हो गई ना चीजें कि अच्छा इस तरह से डिस्कवरी भी कर सकते हैं, कुछ हो भी सकता है. तो यहाँ से ये सब की शुरुआत हुई प्रिंट रेवोल्यूशन से, ठीक है. उसके अलावा थिंकर्स हो गए, जैसे आपके वोल्टेयर हो गए, पेन हो गए, थॉमस पेन, उसके बाद रूसो आपके हो गए, बहुत फेमस थिंकर्स हुए हैं. वर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रीड, अब उनकी जो बातें थी, उनकी जो उन्होंने लिखा था, उनका जो राइटिंग्स थी उनको प्रिंट किया जाने लगा और पढ़ा जाने लगा. तो इससे क्या हुआ, साइंस के बारे में, रीजन के बारे में, रैशनैलिटी के बारे में अब लोगों ने एक वे बना उनके आइडियाज से.
So their ideas about science, reason and rationality found their way into popular literature. ठीक है, तो इस तरह से जो है अब सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके पढ़ी जाने लगी, सारी चीजें धीरे धीरे करके पढ़ी जाने लगी. ओके, तो ये था कि किस तरह से क्या क्या चीजें, किस तरह की बुक्स जो है पब्लिश हो रही थी और कैसे एक नई ऑडियंस बन गई थी जो पढ़ना जानती थी और जो पढ़ना चाहती थी. ओके, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ये किस लिए बोला जा रहा है, ये किस लिए बोला जा रहा है. बाय द मिड 18th सेंचुरी देयर वॉज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट. अब जो है मिड 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो वहां पर एक कॉमन कन्विक्शन था कि बुक्स जो है वो क्या कर रही है, प्रोग्रेस को, एनलाइटनमेंट को जो है बता रही है. उसमें वो क्या कर रही है, अब ये माना जाता था कि बुक्स कैन चेंज द वर्ल्ड, बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी. अब ये देखो क्या है, इसका मतलब क्या है. ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, कांपना. तो ये उन लोगों के लिए था कि अब जो है उनका टाइम आ गया है, जो जालिम लोग थे, जो जालिम लोग थे कुछ भी कर रहे थे अपनी मर्जी से और कहीं पता नहीं चलता था, अब उनके कांपने का वक्त आ गया था क्योंकि अब बुक्स जो है लोगों तक पहुंच रही थी, उनके बारे में लिखा जा रहा था, इंटेलेक्चुअल जो लोग हो रहे थे वो जो लिखते थे वो दूसरी जगह पढ़ा जाता था, तो लोगों में जो है एनलाइटनमेंट हो रहा था, वो जान रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है. सो मिड 18th सेंचुरी तक बुक्स को स्प्रेडिंग प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट के लिए देखा गया कि इससे सोसाइटी लिबरेट होगी और ये डेस्पोटिज्म जो आपका निरंकुशवाद है उससे जो है दूर जाएगी. मतलब डेस्पोटिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर एक ही इंडिविजुअल का राज चलता है. ठीक है, तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में उससे पहले आप देख रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसीलिए हुआ था, तो उन सब चीजों में जो है हेल्प मिलेगी. एंड हेराल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्चुअल विल रूल, कि जब लोग जो है रैशनैलिटी से जो है रूल करेंगे, इंटेलेक्चुअली जो है रूल करेंगे और ये सब चीजें डेस्पोटिज्म वाली चीजें खत्म हो जाएंगी. उसके बाद आपके लुइस सबस्टेन मर्शियर जो एक नॉवलिस्ट हुए 18th सेंचुरी में, वो फ्रांस के थे, उन्होंने क्या कहा था, प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे. ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत बड़ा पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, जिससे प्रोग्रेस होगी और उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन होगी वो फोर्स होगा जिससे जो डेस्पोटिज्म है ये चला जाएगा. इन मैनी ऑफ मर्शियर्स नॉवल्स, जो उसने नॉवल लिखे, द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ रीडिंग. तो उससे जब उन लोगों को पढ़ते थे तो उनका उनका दिमाग चलता था उस तरफ. सो दे डेवोर्ड बुक्स एंड आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक्स क्रिएट वर्ल्ड ऑफ बुक्स एंड बिकेम एनलाइटन्ड इन द प्रोसेस. तो वो क्या करते थे, बुक्स में डूबे रहते थे अपने उसी वर्ल्ड में जो थे वो, एंड अब उनसे क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ गए. कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ प्रिंट इन ब्रिंगिंग एनलाइटनमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म, कि अब जो है एनलाइटनमेंट की तरफ आना है और इस डेस्पोटिज्म से बाहर जाना है, कि अब एक का राज नहीं चलेगा, अब अच्छी तरह से जो है रूल होगा, इंटेलेक्चुअल लोग रूल करेंगे और रैशनैलिटी से करेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा. मर्शियर ने प्रोक्लेम्ड किया, ट्रेम्बल, इसी ने लाइन दी थी, ट्रेम्बल देयरफॉर द टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर. तो इसी ने कहा था कि अब आपके कांपने का जो है वक्त आ गया है, क्योंकि अब लोग एनलाइटनमेंट है, जो एनलाइटनमेंट उनको हो रहा है, उनका ज्ञानोदय हो रहा है, तो अब जो है ज्यादा टाइम तक इन लोगों की आनाकानी नहीं चलेगी. ओके, उसके बाद आपका टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी कुछ सिमिलर चीजें दी गई हैं कि कैसे उसने हेल्प किया, तो वो चीजें देख लेते हैं. कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तीन तरह के तार्किक जो है इसमें आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, तर्क जो है दिए गए हैं. मैनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड, कि प्रिंट रेवोल्यूशन के देखा ना आपने कि बहुत बड़ी उस पर जो है प्रिंट करते थे वुमेन की जो है, या फिर वो जो चेन बनाई गई थी, तो लोगों ने एक दूसरे को जानने के लिए, जागरूक करने के लिए प्रिंट का सहारा लिया. कैन वी मेक सच अ कनेक्शन, तो उसके लिए तीन आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, वो हमें पढ़ने हैं. उसके लिए तीन आर्ग्यूमेंट्स जो है दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, किससे क्या हुआ,
एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो है, अब जो वो लिख रहे थे वो सब चीजें आनी शुरू हुई, ठीक है, थिंकर्स जो लिखते थे वो लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। आपके ट्रेडिशन के ऊपर, आपके सुपरस्टिशन जो मानते थे, सुपरस्टिशन मानते थे या जो डेस्पोटिज्म आपका, वही कि एक लोग राज कर रहे हैं। सो इन सब चीजों के लिए वो आर्ग्यू करते थे कि द रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम, कि कस्टम की जगह पर रीजन, जो लोग रीजन रीजनेबल या तार्किक क्षमता से जो अपना काम करेंगे उनका रूल होना चाहिए, ना कि जो कस्टम चला आ रहा है वही सब होना चाहिए। एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी, कि रीजन होना चाहिए किसी काम को करने के लिए और रैशनैलिटी होनी चाहिए, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इंसान को रैशनल रहना चाहिए। दे अटैक द सेक्रेट अथॉरिटी ऑफ चर्च, और चर्च की जो पावर्स थी, उनकी अथॉरिटी थी, उन सब चीजों को उन्होंने अटैक किया। उसके बाद जो सोशल ऑर्डर था उसकी लेजिटिमेसी को उन्होंने इरोड किया, उसको देखा, उसको कुरेदा। एंड द राइटिंग्स ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो वर रीड वाइडली एंड दोज हु रीड दिस बुक सो द वर्ल्ड थ्रू न्यू आईज, और जिन्होंने भी इन सब चीजों को पढ़ा उन्होंने जो वर्ल्ड था जिसको वो देख रहे थे वो एक अलग ही आंखों से देखा, नई आंखों से देखा। और वो आंखें कहती थी, दे वर क्वेश्चनिंग, वो क्वेश्चन भी करती थी, वो क्रिटिकल भी थी, वो क्रिटिक भी बन चुकी थी, एंड दे आर रैशनल। अब वो किसी के बहकावे में आके नहीं, दे आर रैशनल, ओके। सो इस तरह से जो है प्रिंट का जो है एक तरह से इफेक्ट पड़ा। ये दूसरा क्या इफेक्ट पड़ा, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, वाद विवाद संवाद, ठीक है, वाद विवाद और संवाद, इनका जो है एक इस चीज से जो है ये भी सामने आया, ठीक है, एक नया कल्चर बन गया वाद विवाद और संवाद का, डायलॉग एंड डिबेट का। ऑल वैल्यूज नॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस को रीवैल्यूएट किया गया, कि अच्छा जो चीजें हैं उनको वो ठीक है, वो आप मान रहे हो किसी चीज को, लेकिन उनको रीवैल्यूएट भी तो कर लो कि वो सब चीजें सही है या नहीं है। सो रीवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद उनको डिस्कस किया गया पब्लिक में, एंड दिस बिकेम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन, रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ, कि ठीक है आपको बोल दिया कि अच्छा ये काम नहीं करते, क्यों नहीं करते, पहले से ही करते आ रहे हैं, उस चीज को जाके देखो, उसको री एग्जामाइन करो कि अच्छा ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। सो उस तरह से जो लोग कह देते थे कि परंपरा है, तो उस चीज को लोगों ने जो है कुरेदना अब शुरू कर दिया, उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर ये है तो ये क्यों है। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन केम इन टू बींग, तो यहां से एक सोशल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो पहले से क्या हुआ, थिंकर्स जो है लोगों तक पहुंचे, उनकी राइटिंग्स लोगों तक पहुंची, उन्होंने सोचना शुरू किया, और यहां से जो है एक सोशल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। उसके बाद थर्ड जो तीसरा तर्क है वो क्या है, 1780s तक देर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी, इन द प्रोसेस इट वॉज रेज्ड क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, कि जो सोशल ऑर्डर जो है बने हुए उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स जो है वो बनाए गए, वो सजेस्ट करते थे कि मोनार्की रिमेन्ड एब्जॉर्ब्ड ओनली इन सेंसुअल प्लेजर्स व्हाइल द कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप, कि जो आपकी मोनार्की है वो तो मजे ले रही है सारे, और जो आपके कॉमन लोग हैं वो सारे हार्डशिप है, वो लिटरेचर जो है चलती थी। सो दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ होस्टाइल सेंटीमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की, और जब ये लिटरेचर को सर्कुलेट किया गया तो लोगों ने जो है विरोध करना जो है शुरू कर दिया, और किसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, मोनार्की के। तो अब लोगों ने जो है दे अटैक द मोनार्की, ठीक है। तो अब यहां से तीसरा पॉइंट मिलता है कि दे अटैक्ट द मोनार्की, ओके, ये मोनार्की नहीं चलेगी, एक का राज नहीं चलेगा, अब एक प्रॉपर जो है फॉर्म बनेगी गवर्नमेंट की जिसके थ्रू काम होगा। और ये सब आपने फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा भी है, एंड अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो 9th क्लास के फ्रेंच रेवोल्यूशन की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें विद एग्जाम्पल्स वहां पर क्लियर हो जाएंगी, ओके।
How do we look at these arguments? हम इन arguments को कैसे देखते हैं? There can be no doubt that print helps the spread of ideas. इसमें कोई doubt नहीं है कि print ने ideas के spread करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है. But we must remember that people did not read just one kind of literature. कि लोगों ने सिर्फ एक ही तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ा. इफ दे रेड द आइडियाज ऑफ वॉल्टेयर एंड रूसो दे वर आल्सो एक्सपोज्ड टू द मोनार्कल एंड चर्च प्रोपोगेंडा. कि एक तरफ अगर रूसो और थिंकर्स की बात वो पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ चर्च का प्रोपोगेंडा भी तो है, चर्च भी तो है अगर एक तरफ थिंकर्स है तो. अब वो एक तरफ ही इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं. दे वर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रेड और सो. कि कुछ भी पढ़ लिया होगा इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं है. दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स. उन्हें क्या पता इसकी कोई बात अच्छी लग जाए, क्या पता इसकी कोई बात अच्छी लग जाए, फिर वो अपना ही कोई तरीका बना ले, है ना. तो ये सब चीज थी. दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे. उनका अपना एक वे बना. प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली. कितनी अच्छी लाइन इसमें दी हुई है कि इसने डायरेक्टली उनके माइंड को शेप नहीं कर दिया. अच्छा पढ़ा, अरे उनका तो बिल्कुल दिमाग ही बदल गया, ऐसे थोड़ी होता है. उन्होंने वहां से क्या हुआ, प्रिंट ने हेल्प की कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी इससे बन सकती है कि अब लोग डिफरेंटली सोचना शुरू कर दे, पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द 19th सेंचुरी. तो अभी हमने देखा 17th-18th में क्या क्या हो रहा है, अब आ गए हम 19th सेंचुरी में, आपकी 19वीं सदी में अब हम आ गए हैं. तो अब यहाँ पर देखेंगे हमें क्या क्या हो रहा है. द 19th सेंचुरी सो वास्ट लीप्स इन मास लिटरेसी इन यूरोप. अब जो है लिटरेसी रेट और ज्यादा बढ़ गया, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स. अब जो है नए जो है रीडर्स आ रहे हैं, न्यू रीडर्स, उसमें आपके चिल्ड्रन भी हैं, उसमें आपके वुमेन भी हैं, उसमें आपके वर्कर्स भी हैं. जिन लोगों को पहले पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, अब वो उन लोगों को भी जो है वो दे कैन रीड नाउ, दे कैन रीड द बुक और वो सब चीजें अब स्टार्ट हुई. चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स, चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स. एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी. अब जो है प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई 19th सेंचुरी के आखिरी में. तो चिल्ड्रन जो है अब वो एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी बन गई रीडर्स के लिए. अब बुक्स भी छपेंगी. सो प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स. तो यहाँ से अब जो है स्कूल टेक्स्ट बुक छपना शुरू हुआ. ठीक है, तो यहाँ लेट 19th सेंचुरी से स्कूल टेक्स्ट बुक्स का जो है एक शुरू हो गया. ओके, स्कूल टेक्स्ट बुक्स. अ चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन. एक ऐसी चिल्ड्रन प्रेस बनाई गई जो सिर्फ चिल्ड्रन के लिटरेचर के लिए ही थी. दिस वॉज सेटअप इन फ्रांस इन 1857. और चिल्ड्रन प्रेस जो है, चिल्ड्रन प्रेस बनाई गई बच्चों के लिए, कब बनाई गई, 1857 में. और कहां बनाई गई, फ्रांस में बनाई गई, इन फ्रांस. ठीक है, तो फ्रांस में ये बनाई गई. This press published new works as well as old fairy tales and folk tales. इसमें नई fairy tales भी थी और पुरानी भी थी. नए काम भी थी और पुरानी जो fairy tales, folk tales होती थी, लोक कथाएं होती थी, वो भी थी. The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. उन्होंने जो है अब जो और folk tales वहां पर होती थी, लोक कथाएं, उनको जो है gather करना शुरू किया peasants से, जो किसान थे वहां पर काम करते थे उन सब से. What they collected was edited before the stories were published. और फिर वो edit किया गया, जब वो छपी उनको edit किया गया. So जो भी चीज़ें unsuitable लगती थी, जो कि बच्चे नहीं पढ़ सकते, vulgar है, उसको हटा दिया गया, उसको published version में include नहीं किया गया. Rural folk tales thus acquired a new form. तो अब इस चीज़ को एक नए form में, अब सुना कुछ, लिखा कुछ, छापा कुछ, तो थोड़ा तो बदलेगा ना, थोड़ी चीज बदलेंगी. कोई चीज का आप ट्रांसलेशन करते हो, जैसे कुछ चीजें फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हुई है, फिर हिंदी टू इंग्लिश, जर्मन टू इंग्लिश, वो अभी हम पढ़ते हैं. तो ट्रांसलेशन में कुछ चीजें ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल हम नहीं पढ़ते हैं, उसको एडिट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर. अब हम ये थे बच्चों की बात, अब वुमेन की बात करते हैं. वुमेन जो है अब वो रीडर्स भी बन रही थी, धीरे धीरे वो राइटर्स भी बन रही थी. ठीक है, नाउ दे कैन राइट ऑल्सो.
वो अपने काम पब्लिश करा रही थी. सो मैगजीन्स वगैरह जो आती थी, पेनी मैगजीन्स, वो जो है वुमेन उसमें क्या क्या होता था, प्रॉपर बिहेवियर के बारे में होता था, हाउस कीपिंग के बारे में होता था, तो वो वुमेन में काफी ज्यादा पॉपुलर थी. When novels began, जब novels आए तो वुमेन को जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट रीडर्स पर देखा गया. उसमें कुछ सम ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट कौन कौन थी, उसमें वुमेन थी. काफी जो बेस्ट नॉवलिस्ट उस टाइम की थी वो वुमेन थी. नाम है उनके जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट. ये आपके तीन जो है नॉवलिस्ट थी. देयर राइटिंग्स बिकेम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन. अब उन्होंने औरतों के बारे में लिखना शुरू किया जिसमें वो अ पर्सन विद विल की एक सुदृढ़ जो है पर्सन की तरह उसकी स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक. तो एक अलग ही जो है डेफिनेशन उन्होंने देनी शुरू कर दी. तो वुमेन जो है नोवेल का जो है, जब नोवेल स्टार्ट हुए तो वुमेन का उसमें ज्यादा रोल रहा. लैंडिंग लाइब्रेरीज, अब जो है किराए पर बुक्स देती थी लैंडिंग लाइब्रेरीज, वो स्टार्ट हो गई. कहाँ से? वो 17th century से शुरू हुई थी. 19th century तक ये बहुत ज्यादा आ गई. तो अब ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो होते थे, आपकी जॉब्स करते थे, जो आर्टिशंस हो गए, लोअर मिडिल क्लास पीपल हो गए, तो जब भी इनको टाइम मिलता था तो ये आया तो ये पढ़ते थे वहां जाकर या लिखते थे. आफ्टर द वर्किंग डे वॉज ग्रेजुअली शॉर्टेंड फ्रॉम द मिड 19th century, तो वर्कर्स जो है कुछ टाइम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए ले लेते थे. दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, और वो जो है राजनीतिक पर्चों को भी लिखते थे, और ऑटोबायोग्राफीज भी बहुत मात्रा में वहां पर नंबर्स में लिखी गई. फर्दर इनोवेशंस, तो ये था कि चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स किस तरह से जो है एक ऑडियंस के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से बने. अब कुछ इनोवेशंस भी हुई. अब जब इतना सारे लोग पढ़ने वाले हैं तो कुछ तो इनोवेशन करना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी छापना भी पड़ेगा. तो अब प्रेस जो है वो मेटल की बनने लगी. द प्रेस केम आउट टू बी मेड ऑफ मेटल. अब 19th century तक वहां पर सीरीज आ गई बहुत सारे इनोवेशंस की. एंड बाय द मिड 19th century रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस. एक बेलनाकार प्रेस उन्होंने बना दी गई, और वो 8,000 शीट्स पर आवर छापती थी. 8,000 शीट्स पर आवर जो है प्रिंट होती थी, कैन बी प्रिंट. ठीक है, दिस प्रेस वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स. और इस प्रेस को जो है पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स ज्यादा छपते थे, उसमें जो है ज्यादा चीजें भी छपती थी, तो इसलिए उसको जल्दी जल्दी छापने के लिए यूज होती थी, पर्टिकुलरली प्रिंट करने के लिए न्यूज़पेपर्स को. इन द लेट 19th century द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 colors एट टाइम. और अब क्या हुआ, ऐसी प्रेस डेवलप की गई जो 6 colors एक टाइम पर छाप सकती थी, 6 colors at a time. ओके, तो धीरे धीरे जो है ये आपको बता रहा है कि प्रिंटिंग जब बढ़ी तो उसके साथ साथ इनोवेशंस भी बढ़ती चली गई. उसके बाद फ्रॉम द टर्न ऑफ 20th century इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस आ गई. अब आपकी इलेक्ट्रिकली जो है ऑपरेटेड प्रेसेस आ गई. उसके बाद आज तो आप देखते हो आपको बहुत कुछ मिलता है, इतनी जल्दी छप जाता है सब चीजें, आपने देखी गए और आगे लेकर. तो इस तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीजें, प्रिंटिंग मटेरियल एंड प्रिंटेड जो मशीन्स थी वो बढ़ती जा रही थी, बेटर होती जा रही थी. मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर. ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इम्प्रूव्स. ये सब चीजें भी जो है धीरे धीरे वहां पर शुरू हो गई, धीरे धीरे वहां पर शुरू हो गई और इम्प्रूवमेंट्स जो है होती रही. प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट. अब जो प्रिंटर्स थे और पब्लिशर्स थे वो जो है नई नई स्ट्रेटजी जो है बनाते रहते थे. एंड 19th century periodicals serialized important novels. फिर वहां पर आपके कुछ novels आए, कुछ important novels आ गए. उसके बाद उससे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलरली वे बन गया novels लिखने का, जैसे कुछ सीरीज के थ्रू आने लगे कि एक पॉपुलर वर्क है. They were sold in cheap series called the shilling series. उसके बाद dust cover और the book jacket,
कि बुक को कवर भी करना है, वो सब चीजें शुरुआत हो गई. एंड विद द ऑनसेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन और 1930s में जब महामंदी आई, अब लोगों को डर लगा जो पब्लिशर्स थे कि अब बुक परचेज भी कम हो जाएगा, तो उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए पेपरबैक एडिशन, चीप पेपरबैक एडिशन जो है स्टार्ट कर दिए कि अब जो है वो कवर वगैरह यूज नहीं करेंगे और पेपरबैक एडिशन जो है वो देंगे. तो इस चीज को कि ताकि इसमें भी मेंटेन रहे बुक्स की जो डिमांड है. इस तरह से धीरे धीरे ये जो है कुछ इनोवेशंस थी जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन से और प्रिंटिंग के डिमांड बढ़ने से आ गई थी. अब आपका टॉपिक आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, कि इंडिया के साथ अगर हम वर्ल्ड ऑफ प्रिंट को देखें तो इंडिया का क्या हाल था, इंडिया में कैसे प्रिंटिंग जो है बिगिन होती है, कैसे इंफॉर्मेशन उससे पहले की जाती थी. सो मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, तो जो आपकी पांडुलिपियां होती थी वो बिफोर द एज ऑफ प्रिंट कैसे होती थी. इंडिया आप सभी जानते हैं कि कितना रिच है अपने कल्चर में और कितना कुछ हमारे वेद शास्त्र सब हुए हैं, लिखे गए हैं, हस्तलिखित हैं. तो इसको जो है दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, प्रिंट करना, तो एक अपने आप में इतना सब कुछ है भारत के पास, तो कि वो किस तरह से हुआ, कैसे यहाँ पर प्रिंट टेक्नोलॉजी आई. इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ रिटन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स. संस्कृत ले लो, अरेबिक ले लो, पर्शियन ले लो और कोई और जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, अलग अलग अरबी आपकी जो सॉरी अवधि है आपकी, अलग अलग लैंग्वेज आते हैं. जैसे आपकी साउथ में चले गए तो वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज है, कन्नड़ है, तमिल है, तो हर क्षेत्र की लैंग्वेज जो है अलग अलग है. तो उसमें सब में जो है काफ़ी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है ऑलरेडी भारत में थी. और ये कहाँ पर कॉपी की जाती थी, पाम लीव्स पर या हैंडमेड पेपर पर जो है इनको लिखा जाता था और इनको ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया जाता था. दे कुड बी अदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और स्विंग टुगेदर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन, की इसको बचाने के लिए उसको सू किया जाता था, कि उसको सील दिया जाता था, स्टिच किया जाता था, या फिर उनको वुडन कवर के बीच में रखा जाता था. तो वो सब चीजें हो रही थी. मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट डाउन टू द लेट 19th सेंचुरी, और ये लेट 19th सेंचुरी तक भी चलता रहा इंडिया में. लेट 19th सेंचुरी तक भी इंडिया में ये सब चल रहा था. ओके और तब तक तो प्रिंट काफी डेवलप हो चुका था. मैन्युस्क्रिप्ट्स हाउएवर वेरी हाई ये एक्सपेंसिव भी थी और फिर नाजुक भी होती थी, इनको बहुत केयरफुली जो है रखा जाता था. देखिए दिया हुआ है पेजेस फ्रॉम, मतलब ये बहुत खूबसूरत चीजें होती थी लेकिन ये बहुत ज्यादा संभाल कर रखी जाती थी, संभाल कर रखना पड़ता था. स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल सो मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ, और इनको एवरीडे लाइफ में इसलिए यूज नहीं कर सकते थे. इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल है डेवलप्ड एन इंटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स, कि प्री कॉलोनियल बंगाल में बहुत सारे जो नेटवर्क्स थे स्कूल्स के वो थे, कि स्कूल वहाँ पर थे लेकिन फिर भी वो रीड करने के लिए नहीं होता था. वहाँ पर स्टूडेंट्स वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, वो पढ़ता नहीं था, वो सिर्फ लिखना सीखता था. टीचर आते थे, डिक्टेट करते थे और वो सब अपनी मेमोरी से डिक्टेट किया, स्टूडेंट ने लिखा और फिर वहीं से वो पढ़ते थे. सो दे ओनली लर्न टू राइट, टीचर डिक्टेटेड फ्रॉम देयर मेमोरी एंड स्टूडेंट्स रोट दैट डाउन. डिक्टेशन चलती थी, किस तरह से चलती थी पढ़ाई, थ्रू डिक्टेशन. ठीक है, डिक्टेट कर दिया, उसको लिख लिया, याद कर दिया. Many thus become literate without ever actually reading any kinds of texts. और बिना पढ़े, सोचिए बिना पढ़े लोग विद्वान बन जाते थे सिर्फ लिखने मात्र से, लिखा उसको याद कर लिया और टीचर आते थे वो अपने आप बिना देखे सब बताते थे. तो इस तरह का जो ट्रेंड था जो चल रहा था वो भारत में था. सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे ऑडियंस जो है बनती चली गई, दिस वॉज अबाउट पार्ट टू, और फिर कैसे जो है भारत में प्रिंट का किस तरह से रोल रहा और कैसे फिर इनोवेशंस हुई, इनोवेशंस कैसे हुई, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस कैसे बदला, कि पहले वो किस तरह से सोचते थे फिर किस तरह से सोचने लगे, फिर 19th सेंचुरी तक आते आते क्या क्या बदलाव हुए, एंड फाइनली फिर इंडिया में
हमने आज जो पढ़ा है इस पार्ट में कि प्रिंट से पहले क्या होता था, ये सारी चीजें आज हमने इस पार्ट में डिस्कस की है। आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम पार्ट 3 में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट कम्स टू इंडिया। अभी हमने पढ़ा प्रिंट से पहले का, और अब हम देखेंगे कि प्रिंट के बाद जो है क्या इफेक्ट पड़ा भारत पे, या भारत की जो किताबें थी, यहाँ का जो लिटरेचर था, उन सब चीज़ों से, और कैसे भारत में शुरुआत हुई प्रिंटिंग प्रेस की। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।